भाभी का गृह प्रवेश हो रहा है। अभी भाभी घर पे आ गई हैं। गृह प्रवेश पे ये लोटे की रस्म होती है, जो रखा होता है द्वार पे, उसको चावल का भरा हुआ है, पैर से उसको गिराते हैं और फिर अंदर आते हैं। भाभी ने उसको पैर से गिराया और अंदर प्रवेश कर लिया। फोटो सेशन चल रहा था यहाँ पर। एक एक करके सभी अंदर आ रहे हैं। बारात में सभी जो बाराती गए हैं वो एक एक करके अंदर आ रहे हैं। और इसके बाद गृह प्रवेश के बाद बार रुकाई की रस्म जो मैंने की थी, उसके बाद ये थापे वाली रस्म शुरू हो गई है। भाभी ने थापे लगवाए दोनों के, एक मेहंदी का थापा लगता है और एक घी का, तो दोनों के घी और मेहंदी के थापे लगवा दिए हैं भाभी ने। सारी रस्में जो दुल्हन घर आती है उसके बाद की रस्में हैं ये सारी। गृह प्रवेश, बार रुकाई और इसके बाद ये थापे वाली रस्म। उसके बाद यहाँ होने वाली है अभी खिचड़ी की रस्म। सास बहू दोनों मिलके खिचड़ी खाती हैं। और ये दूध भी पिलाया जाता है भाई को, फिर भाभी को। पहले भाई दूध पीते हैं, उसके बाद भाभी दूध पीती हैं। ये अब खिचड़ी जो बता रही थी मैं कि खिचड़ी की रस्म होती है थापे वाली रस्म के बाद, ये खिचड़ी वाली रस्म होती है जिसपे सास बहू को खिलाती हैं और बहू सास को खिलाती हैं खिचड़ी। यहाँ पे बहू के साथ मजाक चल रहा था। जो मौसी जी हैं छोटे वाली, जो इनकी छोटी सास लगती हैं, वो चम्मच की जगह पे कांटा दे रही थी। फोक होता है जो, वो हंस रही है दुल्हन। देखो कितनी सारी इकट्ठी हो गई हैं उसके साथ, उसके पास चम्मच। मोहसिन जी ने खिलाई भाभी को खिचड़ी, अब भाभी भी खिलाएंगी मौसी को। इकट्ठे एक ही प्लेट में खाते हैं। ये वाली रसम में खिचड़ी खाई जाती है तो सास और बहू दोनों एक ही प्लेट में खाते हैं। कहते हैं इससे प्यार बढ़ता है, सास और बहू में प्यार बना रहता है ऐसे, इसलिए ये रसम होती है। बहू ने भी खिला दी अब सास को खिचड़ी। और ये है कांगने वाली रसम। इसमें कांगना खोला जाता है, सात गांठें लगी होती हैं, तो ये एक एक करके खोलना होता है। एक प्रांत ली जाती है, उसमें अंगूठी डाली जाती है दूध और पानी में, और कुछ दूब होती है वो डाल के उसमें से अंगूठी ढूंढी जाती है। और फिर जो विनर होता है उसी की कहते हैं कि उसी की चलती है। वीडियो चल रही है।
और ये मौसी और मौसी की जो बेटी है, बहन है मेरी बड़ी, ये मेरी दोनों मौसियाँ, इनके साथ मैं खिंचवा रही हूँ फ़ोटो की याद के लिए। फ़ोटो हमारे पास रहेगा। और गांव जाने के लिए मैं तैयार हो गई थी, भाभी तब तक तैयार हो रही थी। मैं रेडी होने के बाद यहाँ नानी जी से कर रही हूँ बात। नानी और मैं दोनों बातें कर रहे हैं। पूछ रही हूँ मैं नानी जी से कि सुनाई दे रहा है उनको, नहीं दे रहा है। अब नानी जी को बहुत ही कम सुनाई देता है, वो बहुत खुश हो रही हैं, बता रही हैं दोनों बहुएं आ गई हैं। दोनों बहुओं के आने से घर पूरा भर गया और बहुत खुश हो रही हैं मेरी नानी जी। ये आ गया हमारा गांव, अपने गांव में आने कुछ अलग ही खुशी होती है। जिन डिस्ट्रिक्ट में है हमारा गांव, जुलाना के पास, जय जयवंती गांव। जुलाना डिस्ट्रिक्ट वाले जितने भी हैं हमारे गांव वाले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। ये पी जा।
सारी ना खत्म कर दिया। गुल्लू आ जा, बुला ले पापा ने, पापा ने बुला, तेज रुका मार। देखो बाजा करे बाबा है तो करा दे काम। इस व्लॉग को करते हैं एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना।